हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमस एडिट। तो हे गाइस, आज की वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे होने वाली। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत बंदे कमेंट कर रहे थे कि आप जो बड़ा लोगो बनाते हो वीडियो के अंदर भी देखा होगा आपने, जो स्टेटस वगैरह बनाते हो इसमें एक लोगो आता है एमएस एडिट का, ठीक है, जो आप साइड में भी देख सकते हो। इस तरह का लोगो आप खुद का, अपना खुद का लोगो कैसे बना सकते हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि आप अपना खुद का लोगो, इस तरह का लोगो आप खुद का कैसे बना सकते हो। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, तभी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। और जो भी मैंने मटेरियल यूज किया इस वीडियो को, मतलब इस तरह का लोगो बनाने के लिए, तो मटेरियल यूज किया है इस लोगो को बनाने में, तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो, और इस तरह का लोगो बनाने के लिए केवल आपको एक ही एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल ऐप एप्लीकेशन, तो ये वाली एप्लीकेशन। तो अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह का लोगो आप कैसे बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी मिस नहीं हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइस, आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद इस वाले जो ये टेक्स्ट आ रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको कर देना यहाँ से डिलीट। डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक, डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद अब आपको करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जाना आपको, देखिए इस वाले थ्री डॉट पर, ठीक है। थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको साइज इमेज, ठीक है, इस पर क्लिक करना। साइज इमेज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए कस्टम आएगा कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पे देखिए साइज यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको इस पर क्लिक करना है और इसको हटा देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 9, ठीक है, और इधर लिखना है 16, तो ठीक है, इनको भी हटा दीजिए। तो इस प्रकार से, और इधर लिखना 16, ठीक है, 9 और 16 का रिश्यू हो जाएगा। उसके बाद में यदि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्ट रिश्यू, ठीक है, तो 9-16 का ले लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद में फिर से जाना आपको थ्री डॉट पर जाने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फोल्डर ओपन हो जाएंगे। फोल्डर ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे थ्री लाइन है, इस पर क्लिक करना, जितने भी फोल्डर हैं यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फोल्डर आने के बाद में देखिए आपके इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी फोल्डर हैं यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में देखिए मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, और जो भी मैंने मटेरियल यूज करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इमेज ले लेना, ये वाला इमेज भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है, तो मैं इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। इमेज पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इमेज मिलेगा, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ऑल मटेरियल लिंक दे दूंगा, उसके अंदर जो भी मैं यूज करूँगा सब दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना, तो राइट पर जैसे क्लिक होगा तो ये फोटो यहाँ पर आ जाएगी, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फोटो यहाँ पर आने के बाद अब आपको लिखना है इसमें टेक्स्ट वगैरह। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना, प्लस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद में देखिए न्यू टेक्स्ट आ गए। उसके बाद में पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना, फिर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करोगे। उसके बाद में यहाँ से इनको कर देना कट। कट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखना एम, एम लिख दिया। एम लिखने के बाद में टी पे क्लिक करना, तो ये बड़ा हो जाएगा एम, ठीक है। उसके बाद ओके, ओके पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। होने के बाद में अब आपको इसकी साइज बढ़ा देनी। साइज बढ़ाने के लिए देखिए ए पे क्लिक करना, ए पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको स्लाइड करना, तो एक मिलेगा ऑप्शन आपको साइज, साइज पर क्लिक करना और इसके साइज कुछ इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपको जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ इसको 250, ठीक है, 250 रखना है, 250 151 हो गया, थोड़ा वापस कम कर देते। तो देखिए 250 रख देना, 250 रखने के बाद इसको कर देना इधर पे सेंटर में क्लिक, ठीक है, सेंटर में रखना। सेंटर में रखने के बाद अब आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए देखिए फिर आपको सेंटर में रखने के बाद ओके भी क्लिक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद में फ़ॉन्ट आपको इसका चेंज करना है, तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। एक आपको मिलेगा ऑप्शन एवी फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। एवी फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला फ़ॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो देखिए ये वाला फ़ॉन्ट, तो इसके अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 फ़ॉन्ट मिलेंगे एक ही फ़ॉन्ट के अंदर आपको, तो इसमें अलग अलग डिजाइन से मिलने वाले, तो ठीक है। ये वाला आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अब आपको ये वाला फ़ॉन्ट देखिए सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। सेकंड पे क्लिक करोगे तो एम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए एम कुछ इस साइज का हो जाएगा। होने के बाद अब आप इसकी साइज बढ़ा दीजिए। अब देखिए इस वाले ये बिंदु है ना, इसको पकड़ के इस प्रकार से करना है आपको। देखिए क्या थोड़ा बेक ले लेते हैं। बेक होने के बाद इस प्रकार से आपको इसको बिंदु को पकड़ के इस प्रकार से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद इसको रखना आपको सेंटर में, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद देखिए कुछ इस जगह रख दीजिए, थोड़ा हल्का सा नीचे कर देना वापस, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा एम।
अब एम आने के बाद में फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद में फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करने के बाद में ये न्यू टेक्स्ट है ना इसको हटा देना आपको, ठीक है। और अपना जो लोगो है सेकंड नेम लिख दीजिए अपना लोगो का, तो मेरा सेकंड नेम है एस, ठीक है, तो एस लिख देता हूँ। उसके बाद में टी 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 पे क्लिक करना है, तो बड़ा साइज का हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना, ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद में यहाँ पे फिर से आपको स्लाइड करना है और इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देनी, साइज वाले पे क्लिक करना, साइज पे क्लिक करने के बाद इसको कर देना आपको 250 पे, ठीक है, तो यहाँ से आपको 250 कर देना, ठीक है, तो मैं 250 कर देता हूँ। 250 करने के बाद ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ताकि इसमें वाइट में ये वाइट कलर का है तो वाइट में लाएगा तो दिखेगा नहीं है, तो इसका पहले ही कलर चेंज कर देते हैं। कलर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे स्लाइड करोगे तो ब्लैक कर पे क्लिक कर देना, तो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद इसको स्लाइड करके इधर लाना है, ठीक है, इधर लाने के बाद अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब आप इसको फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए फिर से आपको जाना है, इधर स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद में आपको एक मिलेगा एबी फॉन्ट, एबी फॉन्ट पे क्लिक करना है और ये इधर जाएंगे, ठीक है, और ये वाला फॉन्ट को आपको देखिएगा इस फॉन्ट के अंदर चले जाना वापस। इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, इसी फॉन्ट के अंदर जाएंगे और इधर में इसमें कौन सा फॉन्ट लेंगे अपन, ये वाला देखिएगा, आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 नंबर वाला, ठीक है, 5 नंबर वाला फॉन्ट, इसी फॉन्ट के अंदर 5 नंबर वाला फॉन्ट लेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है, तो ओके पे क्लिक करोगे तो कुछ फॉन्ट इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में इस बिंदु को पकड़ के इस प्रकार से आपको बड़ा कर लेने, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं अपन, तो देखिए मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसको इस प्रकार से, ठीक है, और इसको रख देना है यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया से एडजस्ट करके रखना है। तो देखिए इसके बराबर में रखेंगे इस प्रकार से, और इसकी साइज और बढ़ाएंगे यहाँ से, और बढ़ाएंगे इसकी साइज, अब देखते हैं, और थोड़ी और बढ़ाएंगे यहाँ से, जितना बराबर सेंटर में जितना बराबर नहीं होना जब तक इसकी साइज बढ़ानी है अपन को, ठीक है, ओके गाइस। तो इसकी देखिए साइज मैंने एकदम बराबरली कर ली, करने के बाद देखिए थोड़ा ऐस थोड़ा दूर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, इस वाइट कलर के अंदर ही ऐस रहना चाहिए, तो ठीक है, मैं वापस ऐस पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इसको दूर रखेंगे तो आपके अच्छे से मैच हो जाए, ठीक है, तो ठीक है, बिल्कुल ऐस बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुका, हल्का और दूर करते हैं यार, दोनों के अंदर एकदम बराबर डिस्प्रिंट रहना चाहिए, एकदम सेंटर में रखना आपको, ठीक है, बराबर रखना एकदम, थोड़ा और पास में करते हैं यार, ठीक है, तो हो गया गाइस। तो इस प्रकार से आपको देखिएगा मेरा एमएस का काम कंप्लीट हो गया। जो आप भी अपने लोगों का नाम लिख लीजिए, जो भी आपका चैनल हो या इंस्टाग्राम का लोगो बनाना है, कुछ भी है, अगर यूट्यूब का है तो इस प्रकार से कर लेना। उसके बाद में अब इसके ऊपर लगाएंगे वो ताज, ताज लगाने के लिए देखिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए, तो इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जाना आपको यहाँ पे, देखिए फिर से प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी, और ये वाला लिंक, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाए, तो ये वाला ओके करना, ठीक है, ये वाला ताज वाला, ठीक है, ताज वाला लाने के बाद में उसको आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे, तो ओके करने के बाद में कुछ इस प्रकार से देखिए ये वाला ताज का आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो इस प्रकार से लेके आ जाना, ठीक है, ये वाला ताज आपको बनाया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीटली करके रख रखा है, तो ये ताज वाला भी लेके आ जाना। लाने के बाद में इसकी थोड़ी साइज कम करेंगे, साइज कम करने के लिए बीच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इधर जाएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइज का, तो साइज पे देखिए कहाँ पे किधर है साइज, देखिए यहाँ पर रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करना और इसको थोड़ा कम कर लेना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कम करने के बाद में इसको लाएंगे इधर, ठीक है, और इधर लाने के बाद थोड़ी हल्की सी वापस बढ़ाएंगे तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको प्लस पे क्लिक करोगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसको रखना है यहाँ पे सेंटर के अंदर, ठीक है, आपके नेम से जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, वाइट ब्लैक के अंदर, यहाँ से ये चीज़ें का ध्यान रखना आपको, जो ये ब्लैक है ना, ब्लैक के अंदर वाइट आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट आना चाहिए और इधर वाइट के अंदर ब्लैक एकदम करेक्ट आना चाहिए, सेंटर में रखना, ठीक है, और फिर से थोड़ा और बड़ा करते इसको, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा, तो अब और थोड़ा इसको इधर खिसकाएंगे, सो ओके गाइस, पूरा सेम बिल्कुल कम्प्लीटली काम हो चुका, देखिए लोगों का काम कम्प्लीटली मैंने कर दिया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लोगो एकदम सेंटर में रख दीजिए। रखने के बाद में अब थोड़ा और हल्का सा अगर इसको इधर उधर है तो आपको लोगो बिल्कुल सेंटर में रख दीजिए, थोड़ा और साइज बढ़ाना चाहते हो तो साइज पे फिर से आपको इसी
ताज वाले पे क्लिक करेंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, रिलेटिव साइज पे जाना है वापस, रिलेटिव साइज थोड़ी और हल्की सी और बढ़ा देते हैं, फिर से प्लस पे क्लिक करोगे तो और बढ़ जाएगी इसकी साइज। बढ़ने के बाद इसको थोड़ा और इधर सेंटर में रखेंगे हल्का सा ऊपर, ठीक है। तो आपका लोगो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें और चीज़ लगाएंगे, अभी और चीज़ बाकी है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको आपको पहले इसको पूरा सेम करना है, ठीक है, एक करना है। एक करने के लिए फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है। देखिए लेयर पे जैसे क्लिक करोगे इधर, ये देखिए ये राइट का ऑप्शन आ रहा है ना, इधर दो बंधु देखिए यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ये दोनों को एक कर देना है, ठीक है, जो ये तीनों दिख रहे हैं ना आपको तीनों को एक कर देना है। राइट पर क्लिक करेंगे और इस पर भी क्लिक करेंगे और इस पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो ये, और यहाँ से ओके कर दोगे तो ये अब ऑलरेडी ये हो चुका है। देखिए अब आपका ये मर्च हो चुका है, देखिए बिल्कुल मर्च हो चुका है। अब इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो तो अब आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो पूरे को। देखिए इस प्रकार से आप बड़ा छोटा जो भी करना चाहते हो अब कर सकते हो। अब इसको थोड़ा बड़ा साइज कर देंगे, साइज करने के बाद, बड़ा साइज करने के बाद इसको रखेंगे यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद में इसको एकदम सेंटर में रख लेना। आपको छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा हल्का वगैरह छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको रखेंगे आपको सेंटर में, ठीक है, इस प्रकार से सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद अब आपको यहाँ पर लोगो वगैरह लेकिन लगाना है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, जो भी है ना। वो लगाने के लिए फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद इन लोगों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इन लोगों को भी लेके आ जाना। तो देखिए सबसे पहले इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, ये दोनों तीनों ले लेते हैं। पहले यूट्यूब का ले लेते हैं। यूट्यूब वाले पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब पर आ गए। आने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे ओके पे, तो ओके करेंगे। उसके बाद में इसका कलर जो वाइट वाइट हटाना है, हटाने के लिए इस प्रकार से आपको स्लाइड करना है। देखिए इस प्रकार से आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा इरेज कलर, इरेज कलर पे क्लिक करना और इसको कर देना अनेबल। जैसे अनेबल करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे जाना है, इसको कर देना आपको पूरा 100 जो भी है पूरा कर देना, 70 रहेगा इसका, ठीक है, तो 70 कर देना। उसके बाद ओके पे क्लिक करना और आपको जाना है रिलेटिव साइज पे वापस, ठीक है। तो रिलेटिव साइज कहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव साइज ये रहा। साइज पे जाने के बाद इसको साइज थोड़ी कम कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद इसको यहाँ पे लेके आएंगे और कम करेंगे इसकी साइज थोड़ी और, जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा से दिखे, दिख जहाँ तक आपका दिखे वहाँ तक कर दीजिए, और छोटा कर दीजिए आपको। तो इसको आपको रख देना 20 और थोड़ा नीचे रखेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रखने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से जाना आपको बैक, और इसमें कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर लीजिए। तो देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस पर वापस क्लिक करेंगे और इस और इधर जाएंगे आपको बैक, और इधर मिलेगा एक कलर का ऑप्शन, कलर पर क्लिक करना और इसको कर देना अनेबल। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, आप रेड कलर का रख दीजिए, ठीक है, यूट्यूब रेड कलर का ही होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर से जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, फिर से फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस बार इंस्टाग्राम वाला ले लेना, इंस्टाग्राम वाले पे क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम वाला आ गया। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, ओके हो गया। उसके बाद में जाना आपको रिलेट, इसमें देखिए इसमें आपको ब्लैक कलर मिलेगा, ब्लैक कलर को आपको हटाना है। ब्लैक कलर को हटाने के बाद में, हटाने के लिए आपको इधर जाना है, देखिए स्लाइड करना इधर, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको इरेज कलर, इस पर क्लिक करना, इसको करना अनेबल। जैसे अनेबल करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसको कर देना फुल इस प्रकार से, देखिए उसको पूरा 70 कर देना। 70 करने के बाद ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको रिलेटिव साइज पे जाना है, इस प्रकार से क्लिक स्लाइड करके रखना है। कहाँ पे गए रिलेटिव साइज, तो इधर जाना, देखिए कहाँ पे रिलेटिव साइज, ये रहा रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करना और इसका साइज भी यहाँ से कम कर देते हैं अपन, 20 कर दीजिए। 20 करने के बाद इसको इस प्रकार से पकड़ के इधर लेके आ जाइए, और ये देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ अभी, देखिए तो इसका कलर वाइट वाला चेंज हो गया था, ठीक है। तो इसका आपको कलर ब्लैक वाला चेंज करना, तो इसका वाइट वाला कलर चेंज हो गया था, तो ठीक है इसका ब्लैक कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो फिर से आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना, पहले फिर से आपको जाना आपको इरेज कलर के अंदर, देखिए इसका ब्लैक कलर को आपको इरेज करना था, ब्लैक कलर हो गया वाइट कलर, ठीक है। तो आप इरेज कलर पर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे देख इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको जाना ब्लैक पे, देख ब्लैक पे लाना है। लाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो ओके हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसका जो वापस जाना, ठीक है, बैक इसका जो ज़्यादा ही हो चुका है, ठीक है, तो इसको पहले अनेबल करेगी वापस है ना, इसे डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद अनेबल करना, अनेबल करने के बाद में ये देखिएगा
इसमें जो कलर है जो वो चेंज हो गया था, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब इसको अंदर आपको अभी दिख नहीं रहा, ठीक है, ये कम्प्लीटली बन चुका, ठीक है, अभी आप देखते हो तो बिल्कुल इसमें बन चुका है। अभी इसको यहाँ पे रखेंगे और इसमें आपको कलर चेंज करना कर लेना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर कलर वाले पे जाना है, कलर कहाँ पे है भाई, ये रहा कलर, कलर पे जाना है और कलर को करना अनेबल। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर दूसरा कलर रखना चाहते हो तो दूसरा कलर भी रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ गुलाबी, ठीक है, ये गुलाबी कलर, पिंक कलर रख लेना, आपको भी जो अच्छा लगे वो रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके, ओके करने के बाद इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ी साइज कम आ रही है भाई लोग, तो इसको रिलेटिव साइज पे जाना फिर से, और इसको यहाँ से कर देना आपको हल्का सा बड़ा, ठीक है, हो गया बड़ा, ठीक है। अब आपको जो एक और लोगो लेना है वो लेना, आपको किसका लोग कौन सा लोगो लेना है वो लेना, टेलीग्राम का, टेलीग्राम का लेने के लिए फिर से आपको जाना प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर से फ्रॉम टू गैलरी पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस बार आपको इस ये देखिएगा यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लोगो मिल जाए, टेलीग्राम वाले लोगो पे क्लिक करना है। टेलीग्राम वाले लोगो पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो टेलीग्राम वाला लोगो आ गया, आने के बाद में यहाँ से राइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसका कलर भी आपको हटाना है जो ब्लैक कलर का। उसके बाद में आपको जाना है इधर वापस स्लाइड करना है, इरेज कलर पे जाना है आपको, तो इरेज कलर का ये रहा इरेज कलर, और इस पर क्लिक करना है, करने के बाद में उसको करना है अनेबल। तो ठीक है, ये हो गया इरेज कलर, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको लाएंगे आपको ब्लैक, ब्लैक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर बिल्कुल हट जाएगा। हटने के बाद आपको इसको करना है इस प्रकार से पूरा फुल, ठीक है, चित्र कर देंगे तो ये जो ब्लैक कलर बिल्कुल हट जाएगा। हटने के बाद में देख सकते हो ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल बन चुका है, देखिए, ठीक है। अब इसके इसकी साइज कम करनी, साइज कम करने के लिए फिर से जाएंगे रिलेटिव साइज पे, ये रहा रिलेटिव साइज, इस पर क्लिक करना, इसका कर देना साइज आपको 20, तो मैं 20 कर देता हूँ, तो ये 22 है अभी तो। सो ओके गाइस, ये यार थोड़ा बिगड़ गया, वापस बेक जाएंगे। बेक जाने के बाद में इसको आपको इधर रखना पहले, ठीक है, इधर रखने के बाद फिर से रिलेटिव साइज पे जाना है, और इसकी थोड़ी साइज कम कर लेते हैं, इधर से थोड़ा और कम कर लेते हैं, और उसके बाद में इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, थोड़ी और इसकी साइज यहाँ से कम करेंगे। पहले इसका कलर चेंज थोड़ा 20 कर देते, चलो इसकी साइज, फिर देखते आगे क्या होता है, चलो 21 रख लेते। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद इसका कलर चेंज करेंगे अपन, तो इधर स्लाइड करना, कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद इसे करना अनेबल। तो अभी ये रेड कलर का हो रहा है, इसको दूसरा कलर देना है इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए नीचे जाना है, इस प्रकार से आपको कलर मिल जाएंगे बहुत सारे, तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है, और इस प्रकार से आपको स्लाइड करेंगे तो आपका टेलीग्राम का कलर कौन सा होता है, तो नीला कलर रखेंगे इसके अंदर, ताकि टेलीग्राम का कलर वही होता है, ठीक है, तो ये वाला रखेंगे, ठीक है, ये हो गए। होने के बाद अब यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना और इसको लेके आना है इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रख देना बिल्कुल बराबर में, ठीक है। तो ये देखिएगा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको MS Edit लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अब आप इन तीनों को एक कर देना है। एक करने के लिए देखिए, अब आपको ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, इनको तीनों को एक करना है। एक करने के लिए फिर से आपको जाना है यहाँ पे, देखिए लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद में देखिए, लेयर पे क्लिक करने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको तीनों आइकन पे क्लिक करना है। देखिए ऊपर तीन दिख रहे हैं, एक दो और तीन, तीन जो यूट्यूब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लोगो, इन पे तीनों पे क्लिक करना है। इस प्रकार से राइट का ऑप्शन करना है, ठीक है, राइट लगाना, राइट लगाने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करना, मर्च वाले पे, तो ये मर्च हो जाएगा, और ओके पे क्लिक करना, ठीक है। अब ये मर्च हो गए, अब आप इसको छोटा बड़ा जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो, तो इसको पहले नीचे रखेंगे और यहाँ से देखिए लेयर वाले पे फिर से क्लिक करेंगे तो लेयर हट जाएगा। और अब आप इसकी साइज कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कम कर लीजिए, तो मैं इसकी साइज कम कर लेता हूँ, तो रिलेटिव साइज पे जाइएगा और यहाँ से इसकी साइज रख थोड़ी कम कर दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी साइज जितनी कम करें, तो देखिए 30 रख दीजिए, 30 रखने के बाद इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये देखिए लोगो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे MS Edit छोटे अक्षरों के अंदर, वो लिखने के लिए फिर से आपको जाना है प्लस पे, प्लस पे जाने के बाद फिर से आपको जाना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट आ गए। उसके बाद में जाना है यहाँ पे एडिट पे, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद में इसको कर देना कट, और आपका जो भी चैनल का नाम हो वो लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS Edit, MS, ठीक है, एडिट, ठीक है। एडिट लिखने के बाद में इसे डबल टी पे क्लिक करना, तो ये बड़े बड़े अक्षरों में हो जाएगा कैपिटल के अंदर। उसके बाद ओके पे क्लिक करना,
ओके हो गया। ओके होने के बाद इसके रिलेटिव साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ पे ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से सेलेक्ट करना है, तो आपको देखना है रिलेटिव साइज कहाँ पे है, देखिएगा। तो इस प्रकार से सेलेक्ट करोगे तो कहाँ पे गया यार साइज का ऑप्शन, सो ओके गाइस, देखिएगा कहाँ पे है साइज, ये रहा रिलेटिव पोजीशन। तो साइज वाले पे आपको क्लिक करना है, साइज वाले पे, ठीक। और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देनी है यहाँ पे, तो ठीक है 100 रख दीजिए, ठीक है। तो मैं 100 रख देता हूँ इसको पहले, फिर और देख लेंगे, कम ज़्यादा होगी तो फिर और रख लेंगे। और इसको लाना है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें कलर चेंज करना है आपको, तो ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए इधर वाइट रखना, ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक के अंदर जो भी अक्षर आएगा उसको आपको रखना है वाइट, और जो वाइट के अंदर आ रहा है एडिट, ठीक है, आमस आ रहा है ब्लैक के अंदर, तो इसको वाइट ही रखेंगे, ठीक है। वाइट रखने के बाद और इधर एडिट आ रहा है, एडिट को आपको मतलब ब्लैक करेंगे, तो ब्लैक करने के फिर से आपको जाना है यहाँ पे, देखिए ए पे क्लिक रखेंगे और उसके बाद में कलर पे क्लिक कर लेना। कलर पे क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे इसको देखिए, जो नीला नीला दिख रहा है ना एरो, इसको एडिट पे लाके रख देंगे। उसके बाद में आपको इस पर कर देना है ब्लैक पे क्लिक, ठीक है। तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। फिर बाद में ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए फिर से आपको जाना है एबी फॉन्ट पे, तो इस प्रकार से सेलेक्ट करना है एबी फॉन्ट, या एबी फॉन्ट पे क्लिक करना है। और आपको जाना, देखिए यहाँ पे ये वाला फॉन्ट, इस फॉन्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ये रहा फॉन्ट, ठीक है। तो ये वाला माई वॉइस माई इन माई, ये है ना वॉइस इन माई हेड, ठीक है, इस वाले इस पर आपको क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा, ठीक है, अमस एडिट, ठीक है, लोगो हो चुका है। होने के बाद में देखिए आपका जो कम्प्लीटली काम हो चुका है। अगर आप दूसरा रखना चाहते हो तो फिर से दूसरा भी रख सकते हो, तो ए बी फॉन्ट पे फिर से क्लिक करना है। और इस फॉन्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और भी आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। तो देखिए और भी फॉन्ट मिले, ये वाला रखोगे तो इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो रख दीजिए, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसका आपको स्टॉक ऑन करना है। स्टॉक ऑन करने के लिए देखिए आपको जाना फिर से आपको इधर बैक, और यहाँ पे आपको जाना है स्टॉक पे क्लिक करना है, स्टॉक स्टॉक पे क्लिक करना और इसे कर देना अनेबल। अनेबल करेंगे और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका कलर भी चेंज कर दीजिए, और इसका कलर रखेंगे अपन वाइट। देखिए इधर रखोगे ब्लैक भी रख सकते हो, वाइट भी रख सकते हो, जो भी अच्छा लगे वो रख दीजिए। तो मैं रख देता हूँ वाइट, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और इसकी थोड़ी साइज कम करना है, तो साइज पे फिर से आपको इस पे क्लिक करना है, साइज पे जाना है, ठीक है। साइज ये रहा, साइज थोड़ी कम कर लेते हैं इसकी हल्की सी, तो माइनस पे जैसे क्लिक करोगे तो इसकी साइज थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रख देते हैं 90 के लगभग, और आप अपने हिसाब से रख दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ पे दोनों के सेंटर में ला के रख देना। तो अब आपका पूरा काम कम्प्लीटली लोगो बन चुका है, ठीक है। तो ये गाइस पूरा लोगो कम्प्लीटली बन चुका है। अब आपको इसको अंदर, अब इनको तीनों को अब आप इसको गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको देखिए इधर मिल रहा है आपको एक, देखिए ऊपर देखिए आपको मिल रहा है सेव का ऑप्शन, सेव पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है और इसको करना है आपको PNG, ठीक है। PNG करने के बाद यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना और इसको रख देना अल्ट्रा। अल्ट्रा रखने के लिए फिर उसके बाद में कर देना आपको सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक कर देना, तो आपकी गैलरी के अंदर ये ऑलरेडी सेव हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ऐड आएगा और आपका ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अब आपको गैलरी के अंदर चल के दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से जाता हूँ बैक, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब आपको गैलरी के अंदर जाके दिखाता हूँ तो ये लोगो किस प्रकार से बना है। तो देखिए गैलरी ओपन कर लेता हूँ मैं, और एल्बम पर क्लिक करता हूँ और ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा जो लोगो पूरा कम्प्लीटली बन चुका है, देख सकते हो तो कितना शानदार लग रहा है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से अपना खुद का लोगो बना सकते हो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको लोगो बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना। और जो भी मैंने फॉन्ट वगैरह जो भी मटेरियल यूज किया सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।